हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आ गए यहाँ पे करामा फर्नीचर मार्केट मंदिर देखने, जो कि मैं एक साल से देख रही हूँ कि घर चेंज करेंगे तो लूँगी। घर चेंज नहीं हुआ अभी फ़िलहाल। ये मेरी एक महीने में पांचवी बार मैं आ चुकी हूँ देखने के लिए। होपफुली आज हम लोग बुक करें, क्योंकि मतलब जैसा हमें चाहिए ना वैसा कस्टमाइज बनाना पड़ेगा, और कस्टमाइज में मिनिमम वो बोल रहे हैं 15 दिन लगेगा। तो वही चीज़ है, देखते हैं कैसा क्या करेंगे। ये पूरा करामा फर्नीचर मार्केट, यहाँ पे हर एक शॉप में आपको मंदिर मिल जाएगा, हर एक शॉप में मंदिर मिलेगा। घर वापस हनी बनी सो गए हैं, एंड मंदिर भी ऑलमोस्ट फाइनली है, मतलब फाइनली है, बस डेट वो हमें बताएंगे कब डिलीवर करें। मुझे चाहिए था कि नवरात्रों से पहले मंदिर आए, बट पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि लगता है 15-20 दिन लगता है। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि हमने ना जितने भी शॉप से जितने भी सब में पूछा, पहले भी हमने सब में पूछा था, एक लास्ट वाला शॉप था वहाँ पे ना कोई भी मंदिर डिस्प्ले पे नहीं है, तो हमें लगा कि यहाँ पे मंदिर नहीं मिलता होगा। तो हमने ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि क्या आप बनाते हो मंदिर, तो उन्होंने बोला हाँ, एंड सबसे अच्छा प्राइस उन्होंने दिया। मतलब जो बाकी लोग बोल रहे ना उसके हिसाब से मतलब 300-400 दिरहम कम, मतलब 300-400 दिरहम नॉट ए स्मॉल अमाउंट ना। तो ऑलमोस्ट फाइनल है, बस वो हमें कल सुबह बताएंगे वो कब डिलीवर करेंगे, उस हिसाब से हम लोग वो करें। जैसे भी वो जब भी डिलीवर करें हमें वहीं से ही लेना है, बट हाँ प्रे कर रही हूँ कि नवरात्र से पहले आ जाए। एनीवेज कल एक्चुअली कल है थर्सडे, कल हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, तन्मय के पापा मम्मी आए हुए हैं ना इंडिया से, तो हम लोग उनको डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। हमारे घर पे नहीं, गौरी भाभी के घर पे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पेंट वगैरह का काम होने वाला था ना, तो इसीलिए मैंने बोला था कि गौरी भाभी के घर पे हम लोग करेंगे, एंड सब लोग पॉटलक बना लेंगे। जैसे मैं कुछ बना के लेके जाऊंगी, भाभी कुछ बना के लेके आएंगी, गौरी भाभी कुछ बनाएंगे, एंड एक ही डिनर में उन सबको मतलब उनका हम लोग वो करेंगे। तो मेरे हिस्से में आया है कि मैं छेना खीर जो मैं बनाती हूँ ना, छेना पायस, वो बनाऊंगी, एंड साथ में दही वड़ा। दही वड़ा वैसे भी मेरा पेंडिंग था उस दिन, जो दही वड़ा का स्टॉल लगाया था उस दिन किसी को भी खाने को नहीं मिला था। मैं उस दिन से मैंने सोचा था कि मैं सबको बना के खिलाऊंगी, बट फिर और मौका ही नहीं मिला, तो दही वड़ा बनाऊंगी। तो उड़द दाल मैंने सुबह से भिगो दिया था, अभी बस को पीस दूंगी ताकि अच्छे से सुबह तक वो फॉर्मेंट हो जाए, एंड फिर मैं कल सुबह फ्राई करके दिन जो भी प्रोसेस है गर्म पानी में डालना, दही में डालना, वो सब मैं करूँगी। तो चलिए मैं पीस के फिर मैं सो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई लास्ट वाले ब्लॉग में, आपको पता होगा दिन भर आज खाली काम काम काम। तो फटाफट जो क्या दाल जो है वो पीस लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने उड़द दाल लिया, एंड ये है मैंगो जिंजर। हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी दही वड़ा बनाती हूँ, ये मैंगो जिंजर अगर अवेलेबल है तो एक बार ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा आपको। कड़ी पत्ता इसमें थोड़ा सा, मैं इसी के साथ में मैं ब्लेंड करके ऐड कर दूंगी, क्योंकि ना मतलब इन लोगों को ना, जो हमारे फ्रेंड्स लोगों को उनके मुंह में जिंजर आता ना तो उनको पसंद नहीं आता, तो वो बोलते हैं कि ग्राइंड कर दिया करो। तो इसमें बस थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करूंगी, एंड इसको पीस लेंगे बिना पानी ऐड के। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बस पानी ऐड करके इसको पीस लेंगे। यहाँ पर पिस गया है, बस इसको मैं निकाल दूँगी, एंड सिमिलरली बाकी का जो भी है वो पीस लूँगी। इसमें ऐड कर दूंगी नमक, नमक आप नहीं भी ऐड करो तो भी चलेगा, मतलब फ्राई करने से पहले ऐड करो तो भी चलेगा। मैं अभी थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से फॉर्मेंट होगा, तो मैं इसको अच्छे से हाथ से फेंटूंगी ताकि ये ना बड़े ना फिर उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं एंड फूलते हैं बहुत अच्छा। मतलब ऐसे हाथ से फेंट के मैं अभी रख दूँगी ना 5-6 घंटे के लिए ना, तो सुबह तक इसका जो साइज़ है बैटर का साइज़ ये डबल हो जाएगा, अच्छे से फॉर्मेंट होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे, जैसे मैंने सेकंड बैच में थोड़ा सा पानी ऐड किया था, नहीं पिस रहा था, तो थोड़ा सा मुझे बैटर जो है वो पतला लग रहा है, तो इसमें मैं अभी सूजी थोड़ा सा ऐड करके रख दूंगी ताकि ये सुबह तक पूरा कंसिस्टेंसी जो है इसकी अच्छी रहे। बस 2-3 चम्मच सूजी ऐड करूँगी, बस इसको मिक्स करके अभी मैं छोड़ दूंगी 5-6 घंटे के लिए। अभी वैसे भी रात
थोड़ा सा लेट हो गया, तो सुबह मैं इसको फ्राई करूँगी, तो छोड़ दूँगी अभी मैं इसको, मतलब 6-7 घंटे करीब इसको छोड़ दूँगी मैं। तो यहाँ पे वड़े फ्राई हो रहे हैं एंड यहाँ पे गरम पानी रख दिया है, गरम मतलब पानी में नमक और कड़ी पत्ता डाल के पानी गरम हो जाएगा तो ये वड़े जो है वो फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि वड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाए। एंड यहाँ पे मैं अपने लिए सुबह का वो जो मैं पानी पीती हूँ वही बनाया है, इसमें पानी में है जो जीरा सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन एंड दालचीनी एंड वो अजवाइन का छाल मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। तो एक ग्लास पानी को बॉईल करके हाफ ग्लास करने के बाद उसको मैं पी लेती हूँ, बस इसको मैं पलट देती हूँ अभी। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. And अभी मैं छेना खीर जो है वो बनाऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले पनीर बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये है डबल क्रीम मिल्क, इससे बहुत अच्छा पनीर जो है वो निकलता है, तो वो ले लिया है। एंड मेरी ये छेना खीर की रेसिपी बहुत लोगों ने ट्राई की है एंड सभी को पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो यहाँ पे 1 लीटर मिल्क का मैं पनीर बना लूँगी एंड करीब 1.5 लीटर मिल्क में खीर बनाऊँगी। यहाँ पे छेना निकाल के छेने को 2-3 बार पानी से धो दिया है अच्छे से, ताकि इसमें जो विनेगर से मैंने पनीर बनाया ना, तो विनेगर का स्मेल जो है वो चला जाए। यहाँ पे बस मैं लास्ट बैच जो है वो फ्राई कर रही हूँ एंड ये देखिए इसका मतलब गर्म पानी में जाते के साथ ही ना इसका साइज जो है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। एंड ये थोड़े टाइम बस 2 घंटा करीब मैं गर्म पानी में छोड़ दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, देन इसमें दही का घोल जो है वो मिलाएंगे। अभी मैं खीर बना लूँगी तो उसके लिए यहाँ पे बस 1/2 चम्मच मैंने घी लिया है, इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चीनी करीब 1 चम्मच, ये चीनी कैरमलाइज हो जाएगा ना, मतलब पूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा, देन इसमें मैं दूध ऐड करूँगी ताकि खीर का कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन कलर का आए, अच्छा लगता है देखने में। सो यहाँ पे कैरमलाइज हो गया है तो इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी इलायची एंड दूध। ये वाला दूध मैंने फुल क्रीम लिया हुआ है, तो देखिए दूध का कलर कैसे हल्का सा वो गोल्डन एंड ब्राउन कलर आ गया ना, तो ये अच्छा लगता है। फिर अभी उसको जब गाड़ेंगे मतलब अच्छे से पकाएंगे तो इसका कलर और भी चेंज होगा। सो मैंने यहाँ पे करीब 2 लीटर दूध ले लिया है, मतलब आप अगर 1 लीटर का पनीर बना रहे हो देन 1.5 लीटर दूध लेना, मैंने ले लिया है, यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो अभी इसमें दूध में अच्छे से बॉयल आने देंगे, देन इसमें ऐड करेंगे हम लोग वो पनीर। सो यहाँ पे दूध में बॉयल आ गया है तो इसमें अभी मैं पनीर ऐड कर दूंगी। पनीर मैंने थोड़ा सा और बना लिया क्योंकि उसका रेशियो ही यही होता है कि मतलब 1 लीटर पनीर के लिए 1 लीटर दूध, तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर ले लिया था ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पनीर बना लिया है, तो इसमें पनीर जो है वो ऐड कर दूंगी सारा। के लिए मैं ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क, आप चीनी भी ले सकते हो बट कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो 1 लीटर मिल्क के लिए एक ये 400 ग्राम का कंडेंस मिल्क मैं यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे 2 लीटर दूध है तो यहाँ पे मैं 2 कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। तो मैं ऐड कर रही हूँ अभी थोड़ा सा केसर, और अभी कुछ नहीं करना है, बस इसको 40-45 मिनट्स तक अच्छे से चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा क्रीमी आ जाएगा एंड बस इसको 40-45 मिनट्स में बन के रेडी हो जाएगा, बस बीच बीच में उसको चलाते रहना है ताकि नीचे से ये लग ना जाए। Oh, it hurts to grow up, 'cause
गाइस खीर देखिए बन के रेडी है, ऐसे कलर का हो जाता है, मतलब ऊपर ऊपर का हल्का सा वो हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, बट इसमें ड्राई फ्रूट मतलब हम लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो मैं ऐड नहीं करती हूँ, नहीं तो आप चाहो तो पिस्ता वगैरह थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है, ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडी ठंडी खीर जो है वो खा सकते हो, बहुत अच्छा बनता है, कलर भी कितना अच्छा आया है। एंड यहाँ पे दही वड़े में पानी सोक करते हुए करीब 2-2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तब इसमें दही मैं ऐड करूँगी, दही का घोल बना के। सो दही बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जो मैंगो जिंजर, इसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, इसको मैं दरदरा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने चॉपर में दरदरा वो कर लिया है ऐसे, और यहाँ पे लिया है मैंने लबान, पहले तो थोड़ा सा लिया है, उसमें मैं वो पेस्ट ऐड कर देती हूँ। नमक ये मैं पूरे दही के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं उसके ऊपर से दही ऐड करूँगी। काला नमक, भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर, ये ऊपर से भी ऐड करेंगे, अभी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। बस ये मिक्स कर दूंगी दही के ऊपर ऐड करके, देन ऊपर से बाकी का जो दही है वो मैं ऐड कर दूंगी। एंड इसमें भी चॉपर में भी पानी ऐड करके इसको अच्छे से ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। से और ये कड़ी पत्ता एंड हरी मिर्च ऐड करूँ, इस मिर्च से तीखा नहीं होगा दही, बस वो जो हरी मिर्च का एक फ्लेवर आता है ना वो थोड़ा सा आएगा दही में, तो अच्छा लगता है। बस इसको अभी शाम को खाना है हमें, तो यहाँ पे दोपहर में मैंने दही ऐड करके रख दिया, तो आराम से ये अभी 3-4 घंटे 5 घंटे दही में डला रहेगा ना, तो वड़े जो है अच्छे से दही सोक कर लेंगे एंड अच्छा स्वाद आता है फिर। तो बस ये बन के रेडी है मेरे दही वड़े एंड उधर खीर। ये अभी हमारे नेबर ने हमें दिया है, वो लोग मतलब रमज़ान मुस्लिम है, तो रमज़ान के महीने में ना वो ऐसे ही कभी कभी देते हैं, ईद वाले दिन देते हैं। तो ये पुडिंग है, ये तो शरबत है, ये दही बल्ले हैं एंड इसमें आई थिंक पकौड़े वगैरह होंगे। हाँ कुकी है, ये देखिए ये हरा भरा कबाब, समोसा वगैरह ये सब है, खजूर हमेशा ये देते हैं, ये हमारे मतलब हमारे फ्लोर में ही रहते हैं ये, हम लोग लास्ट टाइम ईद में उनके घर पे भी गए थे अगर आपको याद हो तो। सो मैंने जो आज बनाया है मैं सोच रही हूँ उनके घर पे थोड़ा थोड़ा दे दूँ इफ्तारी के लिए, और डिस्पोजेबल्स नहीं थे तो बस मैं गई थी नीचे डिस्पोजेबल्स लेने के लिए। इधर फिश, उधर चिकन है, ये रहा है भाभी का, ये नूडल्स, उधर दाल चिकन, और इसमें खूब सारा, इसमें है आलू गोभी, देन पनीर, छोले, और इसमें भी डलेगा, खाली है अभी दाल मखनी चिकन डलेगा। बैग लटका के किचन में घुसे, अभी निकाल भी नहीं सकते, दो मुझे वो बैग निकाल दो। बोली कितना भारी है। एक राउंड लगा के आएंगे क्या रॉल पे? भाई की नई गाड़ी पे रॉल पे एक राउंड लगा रहे, तन में लगा क्या भाई? हॉर्न हॉर्न तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ रोलर कोस्टर।
मस्त दिख रहा है, चमक रहा है अभी रात में। दीदी साफ करके आए हैं इसीलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, हनी बनी रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए एंड आज है लास्ट डे ऑफ स्कूल, क्लास पार्टी है आज और कुछ नहीं होगा, बस लास्ट डे ऑफ स्कूल, सो दैट्स अ पार्टी। रिटर्न ऑल योर बुक्स एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, से बाय टू योर फ्रेंड्स, से सी यू आफ्टर 15 डेज, 15 मोर देन 15, 20 डेज, 20 डेज हॉलीडे। चलो ओपन द डोर, फ्राइडे एंड फ्राइडे को आप लोगों को पता है कि मैं हनी बनी को स्कूल लेने जाने से पहले मैं जाती हूँ ऐसे ही बाहर कहीं पे भी मॉल हो कहीं पे हो मैं अपना मी टाइम स्पेंड करती हूँ, उसका मैं कभी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ, वो अपना मेरा मी टाइम होता है एंड मुझे सच में बहुत बहुत पसंद है ये अपना टाइम एंड स्पेशली ये जो 15 दिन का हेक्टिक शेड्यूल था ना उसके बाद तो आई बैडली नीड इट कि मुझे अपना टाइम, जबकि आज मेरे पास टाइम था, कल रात मैं बहुत कम सोई हूँ, मेरे पास अभी टाइम था कि मैं थोड़ा सा मतलब हनी बनी स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाऊं, बट स्टिल नहीं, मैं कहा नहीं मेरा, मुझे ये टाइम अपने साथ स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है तो वही उसके लिए मैं निकल गई हूँ एंड उसके साथ साथ मुझे हमें शाम को भी जाना है कहीं पे, सुनीता के घर जाना है, उसका बर्थडे था ना 15th of March को जिस दिन हनी बनी का हम लोग किड्स पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसने आज घर पे डिनर रखा है, बर्थडे डिनर रखा है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाना है तो वो भी मैं ले लूँगी एंड ये सब अपना टाइम भी स्पेंड करके फिर मैं चली जाऊँगी हनी बनी को स्कूल से पिक करने के लिए। तो चलिए गाइस मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। तो अभी हम लोग निकलेंगे सुनीता के घर के लिए, तो उसके लिए ये एक लेके आई हूँ मैं, ये परफ्यूम एंड बॉडी लोशन का ये जो सेट है एंड उसको मैंने पूछा अभी, मतलब ऐसा इतना कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं कि हम लोग ऐसे अपने से कुछ गिफ्ट लेके, ऐसे तुम्हें मतलब अभी क्या ज़रूरत है, तो अभी मतलब न्यूली मदर है वो तो बेबी चीज़ें बहुत चाहिए होती है, तो उसने मुझे अभी वो इंडिया ट्रैवल करेगी तो उसने मुझे बोला मुझे बेडिंग विथ मस्कीटो नेट जो है वो चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार मैं जब इंडिया ट्रैवल की थी ना हनी बनी को लेके जब वो छोटे थे तो मैंने भी इसी टाइप का एग्जैक्ट दो लिया था बेडिंग सेट, उसके ऊपर ऐसे नेट रहता है तो अपना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, कहीं पे भी आप जाते हो, जैसे मैं गई थी अपने मायके गई थी, ससुराल गई थी, गाँव गई थी, तो मतलब बेड डिफरेंट डिफरेंट होता है तो बच्चों का एक अलग से अपना बेडिंग रहा, उसके ऊपर मस्कीटो नेट लग गया, मतलब चाहे मस्कीटो हो फ्लाई हो कुछ भी हो तो बच्चे अपना सिक्योर रहते हैं और उनका अपना एक बेडिंग रहता है, हाइजीन भी रहता है तो अच्छा रहता है, तो उसको ये लेना था क्योंकि वो ट्रैवल कर रही है इंडिया अभी टिनी को लेके, तो उसने बोला ठीक है मेरा ये अभी काम आएगा तो मैंने ये एक ले लिया है उसके लिए एंड ये एक बस लिया है, तो बस फटाफट अभी हम लोग चेंज करते हैं एंड निकलते, भाई भाभी भी आ रहे हैं, एक ही गाड़ी में जाएंगे या दो गाड़ी में जाएंगे पता नहीं, और मैं यहाँ पे आके बैठी तो ये दोनों आके बैठ गए कि उनको ट्रीट मिलेगा, क्यों भाई क्यों मिलेगा ट्रीट, किस खुशी में मिलेगा ट्रीट, हाँ मैं इनको इधर बिठा के ट्रीट देती हूँ ना, उनको ला के मैं ट्रीट लेके आई हूँ, हाँ जी अभी मामू माई आ रहे हैं, मामू माई देंगे ट्रीट, मामू माई आ रही है, माई देंगे ट्रीट, मामी देंगे ट्रीट मेरे मेरे बच्चे को। Which song is this? What baby poopy? What is baby poopy? हमें बहुत ज्यादा भूख लगी, हम टूट पड़ रहे हैं आते के साथ, और कोई आया नहीं बट हम टूट पड़ेंगे। ओही बनी ने पकड़ा है, काश माई भी तुम लोगों को इसी उस पे मिली होती है ना, इतनी छोटी चीज का मतलब वो है।
पहले शादी करना चाहिए था। उस टाइम भी तो बड़े हो गए थे। पहले और पहले मिलना था ना, मिलता क्या नहीं था। Cause now